हाथ जोड़े बेनती की। सतगुरु कहन लगे, दस भाई कहन लगा महाराज रोग मिटा दियो। कहन लगे रोग तेनू की है? कहन लगा जी होमे दा रोग मिटा दियो। सिख भी हैरान हो गए। कहन लगे तू धन है, शरीर तो उपर उठ गया कि होमे दा रोग मुका दियो। शब्द पढ़िया कर, शब्द होमे दा रोग मुकाएगा। होमे दीर्घ रोग है दारू भी समाहे। किस विच है कृपा करे जे अपनी तो गुर का शब्द कमाए। नानक है सुनो जनो इत संजम दुख जाए। शब्द मुकाएगा सौ गया, अज नींद आ गई, कदी नहीं सी आई। एक सिख दे मन च की आया, उन्हें सतगुरों का जोड़ा चुकया ते गले नूं सुहा दिता, ऐसी कथा है। उठिया ते रोग मुक्के। सतगुरु पातशाह कहंदे ने क्यों भाई केदारी? कहन लगा पातशाह दोवें ही रोग, सारे ही रोग मुक गए। कहन लगे किवें? लगा शरीर दा रोग ते तुहाडे जोड़े तो डरदा नस गया है, ते होमे दा रोग तुहाडे शब्द तो डरदा नस गया। वाकया ही जदों गुरु दयाल हुंदा है हर नामो मंत्र दिड़ाएंदा, कट्टे होमे रोग। रोग गया प्रव्याप गवाया। इत्थे किसी एक दा नहीं कहा, तीने ताप निवारण हारा दुख हंता सुख रास। तां को विघन न कहू लागे जां की प्रभ आगे अरदास। सारी रोगां दा नाश कर देंदा। कृपा करंत गोविंद गोपाल है सगलिंग रोग खंडन है। साज संगेन गुण रमत नानक, गुरु दे संगत वेचे। उस दे परमात्मा दे गुणा नू कोई जदों वार वार याद करदा है, सिमरन करदा है। साहिब जी फरमाउंदे ने शरण नानक परमेश्वर है, शरण पूर्ण परमेश्वर है। पूर्ण है जो पूरा है, हर पक्षों पूरा। ना उसनू वधा सकते हाँ, ना घटा सकते हाँ। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जांका नाम नानक, पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। उस दी शरण विच आउणा, अधूरे दी शरण विच आवांगे काटां रहणगीआं। पूरे दी शरण विच आवांगे पूर्ण हो जावांगे। अधूरे रहे ते दुखी रहांगे, सुखी होवांगे उस दिन जिस दिन पूरे होगा। ते पूरा वो ही करेगा जो पूरा है। ये श्लोक है श्यामलंग मदर मनुखं हृदयंग भूम वैरन। कुछ मैं ऐसे अर्थ भी सुने भी ते पढ़े भी। श्यामलंग दा हुंदा हुंदा श्याम रंग है, सामला रंग है, कि काला जेड़ा रंग किसे दा होवे ते मदरा होवे, इहदा हिरदा वैर नाल भरिया होवेगा। काले रंग नाल ते बंदे दा जापदा आदि काल तो ही वैर रहे। विदेशां च वेखे आ, हुण ते उह फ्री कर दित्ता काफ़ी देर तो उहनां नूं। देश विच उहनां दा वी पूरा माण सन्मान है। अफरीका तो कालिया नूं फड़ के लै के गए सन। सन 1765 तो कम शुरू होया, उहनां नूं बना के गुलाम। उन्हें तो बच्चे भी इंज ही वेच दिते जाते सन, जिमें गाने वच्छा दिता जदों मर्जी वेच दियो, वच्छा वख वच्छी वख। बच्चे जरा वड्डे होने वेचते ने बेचारियां रोंदे रह जाना। उन्होंने कालिया समझ के ना तो होटलों च जान दिता जाता सी, ना जहाज चढ़न दिता जाता सी, ना गड्डी च बैठन देना नाल। वो बाइबल भी नहीं सन फड़ सकते, कहिंदे तुहाडा हक नहीं। बहुत देर बाद हक मिले। असीं भी कहिंदे काला चोर, हद हो गई, गोरे चोर नहीं हुंदे। नहीं काला चोर, उहदे नाल काला जुड़ गया। ते काला बंदा हर एक बुरा हुंदा। फिर नाल एक गल होर के मदरा, ये भुली गए अर्थ करन वालिआं नूं। गुरु अमरदास जी दा कद जिहड़ा सी बाकी सतगुरां नालों छोटा सी। गल ते गुणां दी है, इत्थे उच्चे नीवें कद करके नहीं मिलना। ये अर्थ के ने, श्यामलंग का अर्थ है सुंदर, बहुत सुंदर होवे। फिर उस तो बाद मदर का अर्थ है मिठा। वो शब्द जेड़ा ना मदर नहीं हुंदा, मदरा हुंदा है, जिसनू कहने असी छोटे कद वाला शब्द है मदरा। इत्थे है मदर, श्यामलंग मदर मनुखं।
ये बहुत सुंदर होवे और बड़े मिठे बोलन वाला होवे, बड़ी जबान मिठी होवे, पर हिरदे विच हिरदे भूमि विच वैर होवे, ईरखा होवे, दूसरे दे विनाश की भावना अंदर होवे, दूसरे दे नुकसान की भावना होवे। कहिंदे निवंत होवंत मिथिया, ये बचन बड़ा समझन वाला है। उसका न्यूना जड़ा ने झुकना, बेशक वह जिन्ना मर्जी झुके हिरदे च वैर है, कहिंदे मिथिया, इहदा झुकना मिथिया। चेतन संत सज्जन है, संत सज्जन चेतन रहिंदे ने, इस तों ते चेतन रहना निवना है कि बाणी दे विचों मैं प्रमाण दे दिया, तुद नूं निमन मनन तेरा नाओ, साज भेट बैसन को थाओ, सत संतोख होवे अरदास, तां सुन सद बहाले पास, अपराधी दूना ने मैं जो हंता मिरगा, वो रिड़के जांदा है, पेट भार जांदा है, इना चुकदा अपराधी दूना ने वह किते ऐसा ते नहीं। कपटी बंदा झुकदा पे है जड़ा शिकारी वांगू झुकदा होवे, अपराधी दूना ने वह जो हंता मिरगा, शीस निवाया क्या थी जा हृदय को सुध जाओ। श्यामलंग मदर मनुख हृदय भूम बैरन, निवंत हुवंत मिथया, चेतनंग संत स्वजन है। सानू हर खतरे तो सतगुरां सुचेत कीता, कहिंदे ने जिहड़ा बंदा सुचेत होवेगा, जागृत अवस्था होवेगी, मन जागया होवे, कोई मुश्किल आए मुकाबला कर लवेगा। पर गाफल बंदा जिहड़ा है उते मामूली मुश्किल का भी मुकाबला नहीं कर सकता, उते लुटिया जांदा। गाफल होके जन्म गवाया, चोर मुसै घर जाए, मन गाफल ना हो, जाग ले हो रे मन जाग ले हो, कहां गाफल सोया, जो तनि उपजया संग ही सो भी संग न होया। ये अचेत नारी अचेत, हे गाफल मनुख अचेत हो जाना ते पाप होंदे ने, पाप ते डर रे, पाप तो डर, पर डरेगा ताई जे सुचेत होवेगा। पृथ्वी ने एक बड़ा सुंदर बचन कहा, वैराग शतक वेचे जड़ रूप सभी तने आन, जिते जिन में न शुभ शुभ ज्ञान, किते चिद एक लखो नर के तन को, जे माहे लखे सत चेतन को। कहिंदे ने सारे शरीर बाकी ते जड़ ने एक मनुख चेता ना, क्योंकि इस विच इहनूं सोझीए जड़ की है चेतन की है। तन चेतन चेतन हेत दयो, पव भोगण है तना दैव दयो, दो परमात्मा ने तैनू चेतन होने लई सिमरन लई इह देह ही दित्ती है, निरा पदार्थ हंडाउण वास्ते नहीं। गाफल ना हो, गाफल बंदे ने संसार नू अपना समझ लिया। साईं मियां मीर नू सतगुरु हरगोबिंद साहब जदों मिले, बड़ी सुंदर कथा, पहले उन्हें पुछदे लाहौर की गल है, साई जी मन का की हाल है। मैं कहना भाग चंगे होणगे सिख भी सिख नू मिले ते फतेह बुला के पहली ये गल पुछिए कि मन की अवस्था कैसी है, तेरे मन का की हाल है। कहन लगे तुहाडी कृपा है, ते तुहाडी कृपा नाल टिकाओ वेचा, मन टिकाओ वेचा। कहन लगे इस तो अगे कहन लगे हुण सत या सत दी सोझी आ गई, सत की है असत की है, नाल की जाना है की नहीं जाना, मिथिया की है सत की है, की करना है की। कहन लगे फिर तुसी सचखंडी, तुहाडे लई ते सचखंड दे दरवाजे खुले। साहब गुरु हरगोबिंद साहब कहंदे तुसी सचखंडी, बंदा पारखू ते बने, बाकी चीजां ते परख ने। ऐसे ऐसे बंदे नोट हाथ च फड़ के कहंदे जाली, सोना फड़िया कहंदे ने खोटा, कपड़ा वेख के कहंदे ने कौड़ी दा नहीं, या ये चंगा पारखू बंदे बन गए। इहो गल सार सराय नू करी, हीरे परखने ते तेनू आ गए, दूरों दस दिता हीरा खरा, पर अपना आपा परखना भी आया। घटो घट अपना आपा ते परख, वैसे बाकी दियां नू ते परखो, संदेह करो, पर कदी अपने ते भी करे बंदा, मैं ही ते गलत नहीं,
बाकी दिया नू कहना तेरी ये गलती ये गलती ये गलती किते मैं भी गलत ना, ये तर्क मेरे ते भी ते हो सकता है कि मैं ही किते गलत ना होवा। बादशाह जी कहते ने अचेत बंदा जो करेगा गलत, अचेत बंदे दे फैसले गलत, अचेत बंदे दे कर्म गलत, सुता कर्म करेगा तो उन मिल जाएंगे ऐसे बंदे सुते सुते बोलते ने, बोलते नहीं सुते सुते चलते भी है। मैं कैसे सज्जन नू जानदा अजे भी है, सुता सुता चलदा सी मकान ते चल पिया गिरिया लत टुट गई। सुत्ता बंदा बोलेगा चलेगा जो कर्म करेगा गलत होवेगा, सुते कीता। पातशाह कहंदे ने पहले जाग तन करके, नहीं वैसे कोई काम करना होवे पहले तन नाल जाग, नहीं पर धर्म कमाउणा मन नाल जाग। सिमर 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 गुरु अपना सोया मन जागा, इस नूं जगाउणा अचेत मूड़ा ना जानंत घटंत सासा नित प्रते। अचेत मूर्ख नहीं जानता कि स्वास्थ्य हर रोज नित प्रतिदर्थ है, हर रोज घट रहे। कदी गिने ने असी स्वास के किन्ने घट गए, सोचते होवांगे कोई नहीं जम ही गिनदा पिया, सानू गिनन दी की लोड़ है। असी वरती जाइए बेअंत ने मुकदे नहीं, पर नहीं मुक जाते ने। गण सकाल लै सब दिन ससास, न बढ़न कटन तिल सार। स्वास मुक रहे वर्त रहे हाँ, जननी जान तो सुत बड़ा होत है, इतना कना जाने जे दिन दिन अवध घटत है। घटते जा रहे हाँ शेजंत महासुंदरी काया, महान सुंदर सुंदर तो सुंदर बंदे वेखो कुछ सालों में किवें क्रूप हो जाते हैं, शिज रही है। शेजंत महासुंदरी काया इन कौन खा रहा, काल कन्या ग्रास ते काल दी धी, इनू कहिंदे ने बिरदी अवस्था, बुढ़ापा खा रही है, खा गया बुढ़ापा, कित्थे गई सुंदरता कित्थे गई जवानी। नहनो नीर बहे तनखीना भय केस दुधवानी, रूह दा कंठ गले च काफा बलगम है बोलिया नहीं जांदा रुके है, रूह दा कंठ शब्द नहीं उचर है। अब क्या करे पुरानी, राम राय हो बैद बनवारी, अपने संत ले उबारी। श्री राग विच भगत त्रिलोचन जी का एक शब्द है, मैं तुहाडा ध्यान उस पासे दवावां। पुंडर केस कुसुम ते धौले सप्तपताल की बाणी, काले केस चिट्टे हो गए ते बजुर्ग जड़ा कदी शेर वांगू गजदा सी, अज बोलदा जिवें सतवें पताल चो बाणी आवाज आ रही है, समझ नहीं आउंदी की कहिंदा, कोल होके सुनने हां बाबा की कहना पे। सप्त पताल की बाणी लोचन शमा, अखां जो पानी वगदा, बल बुद्ध नाठी ना बाल ना हुण बुद्धि कम देंदी, तां काम पाव समाधानी। काम दी मधानी अजे भी रिड़की जा रही है, निकुटी देह देख तुन उपजे मान करत नहीं बूझ, दिसदा कोई नहीं पर पैरां दी आवाज आउंदी है, पता की कहिंदा, वो छोटे दे हो के वड्डे दे, दिसदा कुछ भी नहीं, वो कोल कोई भी नहीं आउंदा, आवाजा मार दे निकुटी छोटिया छोटिया देह पोतरे पड़पोतरे, वो नसदे ने कहंदा किदे हो, वो दसदे कोई नहीं, निकुटी देह देख तुनी उपजे आवाज पैदा होंदी, मान करत नहीं बूझे। लोचन करे जीवन जीवन पद कारण लोचन कछु ना सूझे, ये जीवन वास्ते अजे होर लोचदा, मरना नहीं नजर आउंदा। हुण अगे दा ध्यान धर, चौथे पहरे रहन के बनजारिया, मित्रा लावी आया खेत, जां जम पकड़ चलाया बनजारिया, मित्रा किसे न मिलिया भेत, भेत चेत हर किसे न मिलिया, जां जम पकड़ चला। दोदे ने कहते देता से मैं मरा ही कदी ना, साहब कहन लगे तू तरले करके मौत मंगेगा, रबे समझ नहीं जिसने मौत बनाए वखा देता, पिया पिंजर जिन्हू बुलाउंदा कोई भी नहीं आउंदा। ये अवस्था हो जाती है शेजंत महा शेजंत महा सुंदरी काया, काल कन्या ग्रास ते काल देते, इसनू खा गई इसनू हंडा गई, उसने बिरध अवस्था ने इनू निगल लिया। अरचंत पुरख है कुटुंब लीला, पर कुटुंब दी लीला अजे भी रच रही है,
कुटुंब दे बारे सोचदा चिंता लै रहा करन जोगा कुछ भी नहीं। एक बचन होर ध्यान में लो, भाई गुरदास की बाणी पढ़दे आ मैं एक पौड़ी ते आके अटक गया। कहिंदे ने जवानी विच बंदा तन नाल पाप करदा, बुढ़ापे विच मन नाल पाप करदा। जवानी विच ते उद्दम दौड़ भज करदा परिवार लई, पर बुढ़ापे च पिया पिया चिंता ही करदा। तियां दी चिंता, पुत्रां दी चिंता, पोतरियां दी चिंता, पड़पोतरियां, हालां ओह इस दी करे कोई ना करे पर ये जरूर करदा, चिंता करी जा रही है। वचन सुनो, अंधा गुंगा पिंगला ना ते दिसदा, अखां होंदियां ना, गुंगा हो गया बोलिया भी नहीं जांदा पिया, पिंगला उठिया नहीं जा रहा, तन थका, तन ते थक गया पर मन दा दिसदा, मन नहीं अजे थके, मन अजे दौड़ भज होर ज्यादा मन दी वध गई, मन नाल दौड़ भज कर गया। अनेक तरह की लीला रचदे ने, अनित माया बिखया बनोत ना, अनित आसा बिखया बनोत नासवान आसा। पता है कि आस पूरी होई कोई नहीं, ते अगों भी होण दी आस नहीं, तां भी बनाई रखदा। एक बड़ी सुंदर कथा के एक दरवेश पुछदा है, कहिंदा जमीन तो कोई जवाब नहीं मिलिया, धार्मिक बंदियां कोलो जवाब नहीं मिलिया, आकाश तू बड़े जमाने वेखे तू ही दस, इन्ने दुख ने ते बंदा जी क्यों रहा, मर क्यों नहीं जांदा, इन्ने दुख ने बंदा किवें जीवी जांदा। वो कहिंदा मैनू आकाश ने जवाब दिता आसा करके, सी आस कल दी आस, अज नहीं कल हो जाएगा, पुत्र नहीं पोतरा पूरी कर देवेगा, होर कित पूरी हो जा। यदा सुभा आस लई इंज है जिमें द्वारे द्वारे कुत्ता फिरदा, द्वारा द्वार सवाण ज्यों डोलत, इस घर नहीं होया दूजे घर तीजे घर चौथे घर, द्वारा द्वार सवाण ज्यों डोलत नहीं सुधराम भजन के। जिस घरों होना है उस घर का तो ध्यान नहीं आता, उस दी सोझी नहीं। चाहिदा सी लीला बनाउंदा नाम दी, चाहुंदा सी लीला च शामिल हो जांदा गुरु दी संगत दी, नाम दी सिमरन दी सेवा दी, नहीं कुटुंब लीला रचंत पुरख है, कुटुंब लीला अनित आसा बिखिया बनोद, बनोद हुंदा खुशी, अजे तक भी बनोद खुशी केड़ी है, माया दी, नाम दे आनंद वाले पासे नहीं आया, हालांकि उधरों मिलिया दुख ही दुख, कोई खुशी नहीं मिली। गरीब बंदा दुख वेच है, बचन बड़े ध्यान नाल सुनना, गरीब बंदा दुख वेच है, अमीर बंदा संताप वेच है। संताप ते दुख दा एक फर्क है, गरीब बंदा इसलिए दुख वेच है कि खाण लई कुछ नहीं, कोल कुछ नहीं, अमीर बंदा इसलिए दुखी कि सब कुछ पिया है और खा नहीं सकता, गरीब बंदा दुखी है कि वर्तन लई पदार्थ नहीं, अमीर दुखी है कि वर्तन लई सब कुछ है, कम नहीं आ रहा, डॉक्टर ने रोक दिता मर जाएगा जे वरतेगा, तो संताप है, किन्ना संताप है। जीवन भर जो इकट्ठा किया कम ही नहीं आ रहा जीवदिया ही। बड़ा सुंदर वचन है, जीवत छाड़ जाहे दीवाने मोया उन ते कोवर साने, जेड़े जीउंदे ही तेनू छड़ जान, पदार्थ भी छड़ गए नहीं खा सकदा, सज्जन मित्र भी छड़ गए, ते मर के मरन तो बाद उन्हां तो कौन वरसाया जाएगा। जीउंदे नाल गल कर, सो जीवत जे जीवत जपया प्रगट भय नानक ने छपया, जीउंदे नू जप जो सदा कायम है, अनित्यासा बिखया बिनोद, भ्रमंत भ्रमंत बहु जन्म हारियो शरण नानक करना माया है। पटकदियां पटकदियां बहुत जन्म हार गया थक गया, गुरु तेग बहादुर साहब जी का वचन है, बहुत जन्म परमत तैं हारियो अस्थिर मत नहीं पाए, मानस देह पाए पद हर पज नानक बात बताई, रे मन मूड़ सिमर सुखदाता
नानक दास तुझे समझावत, सगल द्वार को छाड़ के गए हो तो हार हो तो हार। थक गया दाता बड़े फिरे हैं, कदी किते कदी किते, अखीर तेरी शरण में आए हैं। तन ने जड़े आ गए, टिकाना मिल गया, शरण नानक करना मैं है। उस दी शरण विच आ, जो शरण आन दे शरण रखन दे समर्थ था। एक श्लोक और सरवण करो, सब तो ज्यादा जे को रोल है ना इस विच, वो है जुबान दा। शुरू होना है जुबान तो। इत्थे भी कहने आ, रसना नल नाम जपना है तो एक कम कर लो, पहले इनू पवित्र कर लो। जो कही रसना पवित्र, बंदा चुली करन जांदा, पानी नाल कर लव। बड़े ध्यान नाल सुनना, जुबान नू जिहड़ी चीज लगे झूठी हो गई। मूँह नू ला के कोई चीज दूसरे नू दिओ झूठी, ते रब दा नाम ही ते जुबान नाल ही लैंदे हो, फिर वह भी झूठा हो गया। होगा की बचिया होगा? राम कहना जुबान नाल, अल्लाह कहना जुबान, वाहिगुरु कहना जुबान नाल नहीं। गुरु साहब जी कहते ने, पानी नहीं, जो रब का नाम लेने, नाम तो झूठा नहीं होंदा, तेरी जबान जरूर पवित्र हो जाती, तेरी रसना पवित्र हो जाती। शब्द सुनो, साध संगत कै बस बै कलमल सब नसना, प्रभ से ती रंग रहते हैं तांते गर्व न गरसना। नाम कहत गोबिंद का सूची भाई रसना, रसा कसा वेचे रसना झूठी होंदी है, झूठ बोलन नाल रसना झूठी होंदी है, मिथ्या कहन नाल झूठी, निंदा करन नाल रसना पवित्र होंदी है। बड़ा सुंदर बचन है, साहब जी कहंदे ने, जेकर सूतक मनिए सब ते सूतक होए, गोया ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के जिया बाज ना कोए। पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोय, सूतक क्यों कर रखी है, सूतक पवर सोय, नानक सूत के बिना उतरे ज्ञान उतारे तोय। हुन मन का सूतक लोभ है, जेवा सूतक कूड़, जुबान दी अपवित्रता। सूतक की है अपवित्रता, जन्म ते अपवित्रता, सूतक मरण ते पातक। जेवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, परते परतन रूप, कन्नी सूतक कन पर लैत बारी खाए, नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए। रसना नु कहा, हे जेहबे हे रस गे, रसा दी ज्ञाता, हे जेहबे हे रस गे, मदर प्रिया मदर प्रे तुयं। इन पाठ नु पढ़ना, पे तुयं, हे जबान रसगे, रस दी ज्ञाता, रसा लै रस लैन वाली फौरन दसती है। जबान ते रखो, हाथ नू लगाओ, कोई चीज तुसी कह नहीं सकते कौड़ा है मिठा कुसैला की है, हाथ नू स्वाद दा पता नहीं, शरीर दे किसे अंग नू नहीं पता। हाँ, जबान ते रखने, कहने मेरे च जबान ते रखन दी देर, एक कौड़ा है मिठा कुसैल, कहंदे ने शेर वास्ते तू दस दते, खट्टा मिठा कड़वा कुसैला चरपरा सलूना, शेर रस ने यह छे ते दस देनी है। रसना कदी ये भी दस के नाम रस की है, वो रस दा तेनू पता है। तू भुखी तां है, तेरी तृष्णा तां नहीं मुकी, तेनू असल रस आया नहीं। ये रसना तू अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। एक बचन है पातशाह दा, कहंदे ने, हे जबान आन रसा जेते तै चाखे, निमख न तृष्णा तेरी लथ है, हर रस का तू चाखे साथ, चाख तो होए रहे बसमात, अमृत रसना पियो प्यारी। वाहिगुरु वाहिगुरु ते कहने हैं, जिस दिन रस आ गए, बाणी पढ़ते हाँ पर पढ़न दा रस आ गया, समझ लेना रसना दा काम हो गया, रसना सफल हो गई। और रसना तन तन उसनू कहा जेड़ी परमात्मा दे गुण गाए। भाई साहब भाई नंद लाल जी ने कहा, कदमे बेह के दर राहे खुदा पै मूदा में बाशत, जुबाने बेह, ये अर्थ है बेहतर, बहुत वधिया, चंगी जुबान हो है, जुबान ने बेह के दर जिक्र खुदा या सूदा में बाशत।
परमात्मा का जिक्र जिस जुबान ते रहिंदा जुबान वह पवित्र है। हे जिहबे हेर सगे मधुर प्रेतुयं सत हतं कहिंदे ने सत वलों तो तू मरी पई, हत्या हो गई है तेरी, नाश होया पे है। सत हत्यं परम बादं, हां महान झगड़ालू है बाके आए। नाम जपन वालियां जबाना ते घट मिलनगियां, झगड़िया वालियां ते बहुत मिलनगे। पैर पैर ते झगड़ा, पैर पैर ते गलत बोलना, वैसे बहुत ज्यादा जिहड़ियां मुश्किलां बंदे लई खड़ियां कीतियां जुबान। मैनू एक दिन ध्यान आया कि मूँह जरूर कहिंदा होवेगा जुबान, बोल गलत तू जानी है ते थप्पड़ मेरे ते पै जांदा, तू ते अंदर लुक जानी, गलत बोलिया तू ते अंदर हो गई ते थप्पड़ मैनू पै गया। हुण जुबान दा पकीता भोग दा सिर है, कई वारी बोलती गलत जुबान है ते मार सिर च पैंदी है, बोलती गलत जुबान है मार पिठ विच पैंदी है, एक एक अंगे दा भोगदा। गलत बोलती है पर सच है, जे किते जुबान रब दा नाम लै लवे ते सारे शरीर दा निस्तारा भी कर देवे, इहदा जन्म भी सफल हो। इन्हें डोबिया ते बहुत नूं है, डोब भी इहो सकदी है, तारे भी इहो। इसलिए कि है रसना तू परमात्मा दे गुण गा, तू मरी पई है, गुरु तेनू जिंदा करना चाहते ने। सत हतं परम बादं अवर तेथ है शुद्ध अशरण, ऐसा कर अवर तो हुंदा चक्कर, अवर तेथ दा अर्थ है वार 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 ओदी दोहराई करनी, रेपीटेशन रिपीट करना, चक्कर चला देना। शुद्ध अशरण, शुद्ध लफ्ज, शुद्ध अक्षर अखर अखर केड़े ने, वेद पुराण सिमरत सौदाखर कीने राम नाम एक आखर। एक ही अखर शुद्ध है, सारे अखरां नूं शुद्ध कर देवे जो जुड़ जाण। वो केड़ा अखर है शुद्ध? परमात्मा दा नाम। वो अखर ओ जप गोविंद दामोदर माधवे, सब दे दिलां दी जानन वाला ओ पमोत परमात्मा दामे उधर। वैसे ना सी कृष्ण जी दा तड़ागी पेट नूं बन्नी होई, इत्थे समझ लैना सारिआं नूं हुकम दी तड़ागी जिन्ने पाई होई है, सब नूं नथिया होया वलिया होया वो परमात्मा। माधव मा माया और धव पति, माया दा पति माधव, माया दे पति नूं जप वो हुकम रजा वाल जिन्हें सब नूं एक धागे च मणकिआं नूं परोया। आपे सूत आपे बो मनिया कर शक्ति जगत परोए, आपे ही सूत धार है प्यारा, सूत खिंचे ठह ठेरी होए। एक दा आसरा ला, एक मिनट तुहाडा लवा, बड़ी प्रेरणा मिलेगी। छोटी जी कथा सरवण करो, समाप्ति करा। एक सम्राट बीमार हो गया, बड़े उपा किते, चाड़े फांडे सब करा लाए, जिथे जिथे कहा उसने पीर फकीर भी सारे पूज लाए, वैद्यां कोलों इलाज भी करा। बीमारी भयानक सी, एक वैद ने कह दिता एक आस है एक दवाई, 8 साल का एक बच्चा होवे उहनू कतल करना पवेगा, उहदा पिता दवाई च पाएगा ठीक हो जाएगा। पर खुशी नाल सारा कुछ होए, किसी का दिल ना दुखे, हुण दिल ना दुखे मरे कौन। बच्चा खरीद लिया गया, माता पिता नूं पैसे दे के वह खुशी नाल दे दिता। काजी कोल फतवा दवा दिता कि बादशाह वास्ते बच्चा मर जाए कोई वड्डी गल नहीं, बादशाह सलामत ली जान एक बच्चा दे देवे। लै गए कतलगाह विच, कहन लगे कोई इच्छा? कहन लगा जी बादशाह कोल आ जा एक मिनट बस, ए इच्छा। कथा बड़ी लंबी, मैं तो एक मिनट ही सुना रहे हैं। उन्हें 4 ढेरियां बनाईया मिट्टी दियां, पहली अगे हाथ जोड़ी मारी उन्हू लत ढा दिती, दूसरी अगे हाथ जोड़ी उन्हू भी लत मारी ढा दिती, तीसरी नू ढा, चौथी अगे जोड़े, कहन लगा हुण मारती। बादशाह कहन लगा कीता की पहले दस? कहन लगा पहली ढेरी सी मां बाप की, उन्होंने वेच दिता ढा दिती किसी काम नहीं। दूसरी ढेरी से काजी दी, कि काजी जेड़ा है
उन्हें भी फैसला दे दिता, इंसाफ करने वाले मुनस ने ढा दिती, आखरी होंगी है राजे की। पर तू तो आप मैनू खरीदे है कतल करने लई, तेरी भी ढा दिती, तू भी किसी काम नहीं। तो कह लगा चौथी है परमात्मा की, ये नहीं ढाने, जे चाहता मर जा तो मर जा। कहते ने ऐसे वजद च आख्या गया, बादशाह कह लगा इंज करो, एक ने तो मरना ही है ना, एदा कोई भविख है मेरा तो भविख भी कोई नहीं। जे मरण लई तैयार होया मेरे लिए, रब की ढेरी इन्हें नहीं ठाई तो रब की ढेरी मैं भी नहीं ठाउनी, मैं नहीं ठाउनी, मैं मर जावां इन्हू नहीं मारना। चुकया तो गल ना ला लिया, कह लगा बेटा रब दे भरोसे वाले आ, तेनू मुतबन्ना बनावांगा, मेरा राज तेरा। उन्हां ते अगे ऐसा भी लिखिया अठां दिनां च बादशाह ठीक हो गया, होएगा ही। मैं सोच रहा असा ढेरिया तो असी बहुत बनाने हैं, पर बाकी सारिया ढा दिए चंगा, कोई भी काम की नहीं, एक रहन दी हो जी। वो केड़ी है? अकाल पुरख मैं मन तेरी टेक, प्यारे मैं मन तेरी टेक, अवर सियानपा बिरथियां प्यारे, राखण को तुम एक। इत्थे अज असी विचारिया आखिरी पंक्ति पढ़ते हैं, कहिंदे ने जबान बाकी छड सहारे लैने, हर अगे कहना मैनु सहारा जबान ही कहती है ना। कहते ने आख परमात्मा का नाम लै सहारा लै, गोविंद दामोदर माधव उसका सहारा लईए, टेक लईए, जो शरण आवे ते स्कंठ लावे। ये बिरद स्वामी संदा अज असी श्लोक नंबर 62 तक पहुंचे, 67 सारे श्लोक ने, बाकी रहिंदे श्लोक कल और परसों। इन्हां दा विचार करके सतगुरु जिवें करेगा अगली विचार होवेगी फुल्लां दी खेवां। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पंच दूत तुद वस कीते काल कंट कुमारिया, कह नानक तैं सुख होवा तित कर अनहद वाजे। सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसूरे संत साजन पहे सरसे पूरे गुर ते जाने बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलोक पवन गुरु पाणी पिता दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत करमी आपो आपनी के नेड़ के दूर नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम त्याया गए मशकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। तू ठाकुर तुम तो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारक तेरे तुम्हारी कृपा मैं सुख कनेरे बिना जाने तुम्हरायन ते ऊचा भगवंत सगल समगरी तुम्हारे सूतर तारी तुम ते हो तुम्हारी गत मित नानक दास बोलना जी वाहे गुरु एको अंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरें घर नौ निद आवे ताए सब थाई होए सहाय दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हो Program is sponsored by Simco, Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer, Simco. You can rely upon Simco, Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer, Simco. A name you can rely upon, Simco. Ahe Guru.
श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शोभा विच हाजर करन लई सुंदर कढ़ाई वाले रुमाले अते चंदोआ साहिब संगतां दी मंग दे मुताबिक तैयार कीते जांदे हन। पता नोट करो, सडाना ब्रदर्स, शेरे पंजाब मार्केट, पटियाला, अते B1A AC मार्केट, सामने पदौड़ हाउस, लुधियाना। 0175-5011-111 Simco introduces all new Swift Power Hairspray, available in Mega and Ultra Strong. Simco, also available in gel form. साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी शोभा विच हाजर करन लई सुंदर कढ़ाई वाले रुमाले अते चंदोआ साहिब बड़े ही श्रद्धा अते सत्कार दे नाल तैयार कीते जांदे हन। दशमेश रुमाले, जसविंदर सिंह, शॉप नंबर 12, हनुमान रोड मार्केट, नियर गुरुद्वारा बंगला साहब, नॉट प्लेस, न्यू दिल्ली। 0112336332, 0981081333 ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਾਡੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਰੁਮਾਲੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁੰਦਰ ਕਢਾਈ ਵਾਲੇ ਰੁਮਾਲੇ ਅਤੇ ਚੰਦੋਆ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸਡਾਨਾ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਤੇ B1A AC ਮਾਰਕੀਟ, ਸਾਹਮਣੇ ਪਦੌੜ ਹਾਊਸ, ਲੁਧਿਆਣਾ। 0175-5011-111 A name you can rely upon, Simcoe.